एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं अटलांटा में ही हूँ। आज मेरा अटलांटा में थर्ड डे है। अटलांटा में एक सिविल राइट्स लीडर है फेमस, जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनका नाम सुना होगा। उनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इनका नाम आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वो एक्टिविस्ट लीडर थे सिविल राइट्स के लिए, बहुत ही उन्होंने काम किया है। अटलांटा में उनका एक पार्क है, नेशनल हिस्ट्री पार्क है उनका, और उसी पार्क में उनका जब डेथ हुआ था, उनका ग्रेव साइट भी यहीं पे है। एक यहाँ पे उनका हिस्ट्री पार्क है, तो मैं आज वहीं पे आया हूँ। ये एक्चुअली जो जगह है अटलांटा में, ये आपको डाउनटाउन से 1 किलोमीटर थोड़ा आउटसाइड जाना पड़ेगा। मतलब डाउनटाउन जो एरिया है, वहाँ से आप अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको ये साइट मिलेगा। मेरे होटल से तो पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, 1.5 किलोमीटर था मेरे होटल से। मैं वॉक करते करते आ गया यहाँ पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है, ये मार्टिन लूथर किंग सीनियर है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जो फादर है, उनका नाम है ये। उनका कम्युनिटी रिसोर्स कॉम्प्लेक्स है ये एक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको, यहाँ पे कुछ उनका प्रोग्राम चलता है, और यहाँ पे डेवलपमेंट एजेंसी भी है इनका कुछ, और यह सेंटर फॉर वर्किंग फैमिलीज के लिए भी काम करते हैं। ये इनका कम्युनिटी रिसोर्स कॉम्प्लेक्स है जो मार्टिन लूथर किंग सीनियर ने बनाया था। उनका बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पे हुआ है। ये जो पूरा बिल्डिंग आपको दिख रहा है, ये उन्हीं का कॉम्प्लेक्स है। आगे भी है यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उनका एक चर्च भी है। सो बेसिकली जो थोड़े बहुत हिस्ट्री पसंद करते हैं, पहले के जो लीडर्स थे, एक्टिविस्ट थे, अगर वो सब चीज़ें आप विजिट करना चाहते हैं, तो अटलांटा में ये भी एक वन ऑफ द फेमस प्लेस है, जो कि आप अगर सर्च कीजिएगा गूगल में तो ये प्लेस भी आएगा। मार्टिन लूथर जूनियर किंग जो प्लेस है, उसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनका एंट्रेंस पे ही बोर्ड टाइप का है, और ये पूरा एरिया मार्टिन जूनियर लूथर किंग और सीनियर, जो उनके फादर थे, उनके बनाए हुए कॉम्प्लेक्स है ये। तो ये रहा वो बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर नेशनल हिस्टोरिकल पार्क। ये चर्च है एक, इसका नाम है एबेंजर। दिस इज द मेन एंट्रेंस। यहाँ पे एंट्रेंस पे ही मार्टिन लूथर किंग जूनियर नेशनल हिस्ट्री पार्क मेंशन किया है। ये है वो मार्टिन लूथर जूनियर किंग, आपने कहीं ना कहीं भी इनका फोटो देखा होगा कहीं पे। ये एक जगह है मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेंटर फॉर नॉन वायलेंट सोशल चेंज। ये वाला एरिया जो है, इस पर्पस के लिए बनाया गया था। और यहाँ पे जितने भी नॉन वायलेंस रिलेटेड, और जितने भी जिनके बड़े बड़े लीडर थे, जिनके ओपिनियन थे या फिर उनके कोर्ट्स थे, वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नॉन वायलेंस इज़ ए वे ऑफ लाइफ फॉर करेजियस पीपल। बहुत अच्छे अच्छे कोर्ट्स हैं यहाँ पे। तो जितने भी पुराने लीडर होते थे ना, वो मैक्सिमम नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। आप हमारे कंट्री को भी देख लीजिए, हमारे कंट्री पे गांधी जी भी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। यहाँ पर आप देख लीजिए मार्टिन लूथर जूनियर किंग और उनके जितने भी और भी लीडर्स थे उनके साथ, सारे नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। अभी चलते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन है इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स, गिफ्ट्स और सुविनियर्स है एक, वहाँ पे आप कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं जैसे सुविनियर। सो यहाँ पे एक फ्रीडम हॉल है जहाँ पे एग्जिबिट्स होते हैं। सो ये एक सुविनियर शॉप है। यहाँ पे आपको कुछ बुक्स दिख जाएंगे यहाँ पे। ये एक फ्रीडम हॉल है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर गांधी जी भी है।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज ऑन December 10, 1964। उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जो सब चीज़ें कैरी करते थे या पहनते थे वो है, ये एक घड़ी है जो वो कैरी करते थे हमेशा, वो ट्रैवल ग्लोव। यहाँ भी उनका कोट वगैरह यहीं पर रखा हुआ है। वो सारी चीज़ें जो वो यूज़ करते थे, पहनते थे या अपने पास रखते थे, सारी चीज़ें यहाँ पे म्यूज़ियम में रखा गया है। सो ये उनका चाइल्डहुड का फ़ोटो है और उनका फैमिली ट्री यहाँ पे है ऑलरेडी यहाँ पे। उनको एक अवार्ड मिला था, फ्रीडम अवार्ड मिला था, प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर फ्रीडम अवार्ड मिला था। और ये उनका ग्रैमी अवार्ड है। तो यहाँ पे आपको गांधी जी भी दिख जाएंगे, ये देखिए दोनों लीडर। सो ये एग्जिट करने के बाद कुछ इस तरह यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आप लोग अटलांटा आ रहे हैं और आपके पास अगर टाइम रहता है और सारे टूरिस्ट प्लेस घूमने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो इस जगह को भी आप आ सकते हैं। किसी को हिस्ट्री बहुत पसंद है तो वो डेफिनेटली यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर फ्री है, यहाँ पर कोई ऐसा फीस नहीं है। सो अभी हम लोग दूसरे बिल्डिंग में आए हैं, जो हिस्टोरिकल पार्क का बिल्डिंग है उसमें आए हैं। अब्राहम लिंकन को देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्टिन लूथर किंग का जूनियर जो नेशनल हिस्ट्री पार्क है, उनका प्रिजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ है वो सारे यहाँ पे एड्रेस के साथ है। अभी यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग हैं, चर्च यहीं पे है। तो ये सारे जगह आप देख सकते हैं। ये जो माइक्रोफोन यूज़ हुए थे उस टाइम पे, तो वो ओरिजिनली वही रखा गया है, यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। तो बेसिकली ये हिस्टोरिकल पार्क है, तो सारे हिस्ट्री के चीज़ आपको मिलेंगे, सारे A to Z आप यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आराम से 2 घंटा टाइम दीजिएगा, 2 से 2.5 घंटा, तो आप पूरा एक्सप्लोर कर पाएंगे। In 1969, my grandmother was the first woman to give the day speech. ये जो आपको दिख रहा है कार्ड टाइप का दिख रहा है, तो बेसिकली ना यहाँ पे जब इनका डेथ हुआ था, मार्टिन लूथर जूनियर किंग का डेथ हुआ था, तो यहाँ पे उनका जो फ्यूनरल था, फ्यूनरल का इसी में हुआ था। आप देख सकते हैं फोटो में, यहाँ पे उनका फ्यूनरल इसी में हुआ था। तो ये ओरिजिनल वाला है, इसको भी यहाँ पर रखा गया है म्यूजियम में प्रिजर्व करके। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मिला है। आप देख सकते हैं कि 1959 में वो एक्चुअली इंडिया गए थे। जो नॉन वायलेंट का जो टेक्निक्स था वो बेसिकली कैसे काम करता कैसा नहीं है, उस चीज़ों को जानने के लिए वो इंडिया विजिट किए थे। सो नेशनल हिस्टोरिकल पार्क यहाँ से एंट्री है। वेलकम विजिटर्स के लिए टाइमिंग भी मेंशन किया है, देखिए आप यहाँ पे 9 से 5 बजे तक है। कोई एंट्रेंस फी नहीं है, आप बेझिझक आइए, आराम से घूमिए। और यहाँ पे आपको एक ब्रोचर भी दिया जाएगा, आप आराम से ब्रोचर लीजिए और एक्सप्लोर कीजिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जगह। एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए, अगर आप विजिट कर रहे हैं कहीं पे ऐसे लीडर एक्टिविस्ट या कहीं का कोई प्रेसिडेंट, पीएम का मेमोरियल, म्यूजियम या पार्क मान लीजिए, नेशनल पार्क मान लीजिए, हिस्टोरिकल पार्क मान लीजिए, मुझे लगता है कि कोई फीस नहीं होना चाहिए। लोगों को आने देना चाहिए कि आए, वो विजिट करे, देखे चीज़ों को, हिस्ट्री को थोड़ा जाने। स्कूल के बच्चे आए, टूरिस्ट आए और एक्सेस कर पाए इजीली, ये ज़्यादा अच्छा है। आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो बिना सब्सक्राइब करके मत जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि मैं बहुत ही ट्राई करता हूँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जगह दिखाने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊँगा।
ताकि आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले वीडियो से, और ट्रैवल आप लोग जब ट्रैवल करें तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाए। फिलहाल अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, मैंने देख लिया सारा जगह, अभी मैं जाता हूँ अपने कॉन्फ्रेंस वेन्यू में, बिकॉज कॉन्फ्रेंस है मेरा। तो मैं अपने आप जाता हूँ जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रहा है मेरा, चलते हैं। उसके बाद अगर टाइम मिला तो थोड़ा और आसपास के कोई जगह मैं विजिट कर लूँगा। कल मुझे एक जगह जाना है और कुछ चीज़ें मैंने बुक करके रखी है, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए। तो कल का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये हमारे देश के गांधी जी, देखिए यहाँ पे इनका स्टैचू है।